हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन पवनबाग एकेडमी। टुडे आई एम हियर टू स्टार्ट विद द लेसन दैट इज चैप्टर नंबर 2। वी हैव स्टार्टेड इट इन आवर फर्स्ट लेक्चर, बट नाउ अगेन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम इंटरेस्टेड पार्ट फ्रॉम दिस लेसन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें से? ये जो लेसन है सिस्टमैटिक्स, यहाँ पे क्या है? सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने सबसे पहले लेसन में देखा सिस्टमैटिक्स क्या है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में देखा वो क्लासिफिकेशन क्या है। बट आगे अब आज हमें कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखनी है, अगेन वो भी रिलेटेड किससे है? सिस्टमैटिक्स से। सिस्टमैटिक्स मीन्स अगेन क्या कि ऑर्गेनिजम्स को अगेन हमें क्या करना है, अब अरेंज करना है। तो वो अरेंज करते वक्त अरेंज क्यों करना है? क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस मदर अर्थ पे है। तो अगर हम इसे अरेंज ना करें एक स्पेसिफिक ग्रुप में तो हमें क्या होगा? वी आर नॉट एबल टू स्टडी देम, हम उनकी स्टडी भी नहीं कर सकते, और कौन से ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है कौन से यूजफुल है ये भी नहीं पता कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी इन्हें प्रॉपरली अरेंज करना है। बट अरेंज करते वक्त भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आती है जिसके हिसाब से ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में से सबसे पहला है केमोटैक्सोनॉमी। ओके, सबसे फर्स्ट वाला क्या है? केमोटैक्सोनॉमी। अब केमोटैक्सोनॉमी, केमो मीन्स व्हाट? सी हियर, केमो, केमो मीन्स व्हाट? Something related to chemistry or chemical, or we can say something related to chemistry. That means what? Here we are not going to study chemistry. अब chemistry तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, but यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें हैं। Taxonomy तो हमें देखनी है, taxonomy मतलब again arrangement ही है, बट वो अरेंजमेंट हम किस हिसाब से करने वाले हैं? अब हमें ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, बट वो रिलेटेड किससे होगा? केमो मीन्स वो रिलेटेड होगा कुछ केमिकल्स से। ओके, कुछ केमिकल्स से वो रिलेटेड है, मतलब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यह सबसे पहले ध्यान में क्या रखता है, कुछ सिमिलर, व्हाट सिमिलर? सिमिलर कंपाउंड्स, कुछ सिमिलर कंपाउंड्स और डिफरेंट सिमिलर कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स। बट अब ये कंपाउंड्स को तो ध्यान में रखेंगे, बट ये कंपाउंड्स का क्या देखना है, सिमिलर हो या डिफरेंट हो इसे कंपेयर करके देखेंगे। दो ऑर्गेनिजम्स में हमेशा अगर हम सिस्टमैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या नेसेसरी है, हमेशा सिस्टमैटिक्स पढ़ते वक्त क्या नेसेसरी होगा? कंपेरिजन। क्या होगा? कंपेरिजन। कंपैरिजन हमें हमेशा यहाँ पे करना है, अदरवाइज डेली लाइफ में हम हमेशा बोलते हैं वी हैव नॉट टू डू द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस, बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन ही करना है। तो अब कंपैरिजन हमें किस में करना है, मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, या वो सिमिलर है कि वो डिफरेंट है? पहले ये देखना है कि सिमिलैरिटीज उसमें क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। बट अब उस कंपाउंड के किस हिस्से में हमें देखना है कि ये सिमिलैरिटीज कहाँ पे है और ये डिफरेंसेस कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे हमें देखना है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है या नहीं है। ओके, तो समझ में आई अभी बात? हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, केमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट कर रहे हैं।
ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग अभी, यहाँ पे हम उनकी जो टेक्सोनॉमी है, उनकी जो अरेंजमेंट है, वो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से करेंगे। और वो जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू कंपैरिजन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। मतलब देखिए, अगर सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, समझो अब यहां पे है हॉर्स, ओके, हॉर्स एंड अदर मैमल, वी विल टेक काउ, ओके। अगर हॉर्स और काउ है, दोनों है तो मैमल, मतलब यहाँ पे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बट हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को कैसे अरेंज करेंगे कि हॉर्स के अंदर अब कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, हॉर्स के बॉडी में कौन से प्रोटीन्स बनेंगे और काउ की बॉडी में कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, और फिर वो जो प्रोटीन्स जो हॉर्स के बॉडी में बने हैं, कुछ प्रोटीन्स है काउ के बॉडी में बने हैं, बट वो उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हम देखेंगे, या फिर कुछ सिमिलर प्रोटीन्स है कौन से जो हॉर्स में भी पाए जाते हैं, काउज में भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो हॉर्स में ही पाए जाते हैं काउ में नहीं पाए जाते, या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो काउज में दिखते हैं हॉर्स में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें किस हिसाब से स्टडी करना है, किस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वॉट एवर कंपाउंड दे आर हैविंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे, और फिर देखेंगे उसमें किस तरह के सिमिलैरिटीज या किस तरह के डिफरेंसेस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से हम केमो टेक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे के पार्ट में, अब देखिए हमने क्या किया, केमो टेक्सोनॉमी देखा, उसके पहले हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन देखा था, उसके पहले हमने क्या किया था, सिस्टमैटिक्स देखा था, सिस्टम एक बनानी चाहिए, उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन चाहिए नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक वे से। बट यहाँ पे अब क्या देखना है हमें, क्लैडोग्राम। अब क्लैडोग्राम मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय क्लैडोग्राम। अब ये जो क्लैडोग्राम है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप की यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग मतलब क्या, कि समझिए अगर ये वाला एक ट्री है, उसकी यहाँ से एक ब्रांच निकली, अगेन उसी ब्रांच से दूसरी, फिर उस ब्रांच से अलग, फिर और एक अलग, ऐसे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया। बट यहाँ पे उसका रूट तो एक ही है, बट एक ही रूट से निकले हुए, बट वो क्या हो गए, बायफर्गेट हो गए, एक दूसरे से एक जगह पे आके वो अलग हो गए। समझो अब ये वाली ब्रांच है, ये तो एक स्ट्रेट ब्रांच है, बट यहाँ पे जाके वो एक अलग हो गई, अगेन उसके पास आगे जाके यहाँ पे अलग हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसका जो रूट है वो एक ही है, बट वो क्या हो गया, यहाँ पे जाके आगे जाके उसमें ब्रांचिंग हो गया। मीन्स अब हम ये जो रूट है वो किससे डिनोट करेंगे, ये रूट मतलब क्या है, एंसेस्टर, ये रूट मतलब क्या है, हमारे एंसेस्टर, ओके। और यहाँ पे आगे जाके अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या मॉडिफिकेशंस हो गए, क्या डेवलपमेंट हो गए, और उस हिसाब से उनमें किस तरह से ब्रांचिंग हो गया। अब ये जो क्लैडोग्राम है, अब क्लैडोग्राम मतलब अगेन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ब्रांचिंग तो देखना है, साथ ही में हमें क्या करना है, जैसे हमने केमो टेक्सोनॉमी कंपैरिजन किया था, उसी तरह हमें यहाँ पे भी कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, देखिए ये वाली एक ब्रांच है और ये वाली ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी, डी और ई।
अब इन सारे ब्रांच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि निकले तो सारे एक ही रूट से है, बट हाउ ए ब्रांच इज सिमिलर टू बी और हाउ बी ब्रांच इज सिमिलर टू ए और वाइस वर्सा, व्हाट हाउ ए ब्रांच इज डिसिमिलर टू बी एंड हाउ बी ब्रांच इज डिसिमिलर टू ए। मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन हमें किसका करना है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। दो चीजें देखनी है, एक तो सिमिलैरिटीज देखनी है और दूसरा हमें डिफरेंसेस देखना है, और दो ऑर्गेनिजम्स में हमें कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन तो हम कर रहे हैं, कौन सी सिमिलैरिटीज है कौन से डिफरेंसेस है, बट वो कर क्यों रहे हैं हम लोग? जैसे हमने केमोटेक्सोनॉमी में देखा, केमोटेक्सोनॉमी में हमें क्या करना था कि उनके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं बॉडी के अंदर, उसके स्ट्रक्चर्स है वो सेम है कि डिफरेंट है, वो देखना था हमें, ताकि हमें पता चले कि इवोल्यूशन की वजह से कौन सी मॉडिफिकेशंस उस स्ट्रक्चर में हो चुकी है। बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स में देखने हैं। बट वो किस लिए देख रहे हैं हम लोग, एक तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से टेक्सा से आए हैं, कौन से लीनिएजेस से आए हैं, या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म से आए हैं, ये हमें देखना है, या फिर किस इरा से आए हैं, ये सारी चीजें हमें देखने हैं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें कंपैरिजन रहे हैं। ओके, अब अगेन हम, जैसे कि मैंने कहा ये वाला जो है एंसेस्टर, ये एंसेस्टर है, तो हमें देखना है कि समझो अगर एक बार ऐसा हो जाए कि हमें रूट नहीं पता है, रूट के बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ, ओके, और जैसे कि देखिए ऐसे होता है जो पुरानी मूवीज में दिखाते हैं कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो खो जाते हैं किसी मेले में, बट आगे जाके वो मिल जाते हैं। बट क्या होता है, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, समझो अब ये है दोनों जुड़वा और रूट के बारे में पता नहीं है, उनके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो ऑफस्प्रिंग्स है उन्हें देख के क्या होगा, पता चलेगा कि हु आर देयर एंसेस्टर्स। अब उन्हें देख के मतलब क्या, ये सारी चीजें मैंने सुपरफिशियली कहा, बट इन्हें देखकर मतलब अकॉर्डिंग टू क्लैडोग्राम इनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स है और इनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स है जो सिमिलर है, और उसके हिसाब से आपको क्या पता चलेगा कि उनके एंसेस्टर्स कौन है। ओके, इसलिए अब हमें, एक तो हम इससे एंसेस्टर्स को भी पता कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि हम ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स है या फिर वो लीनिएजेस भी हम कह सकते हैं कि उनमें कितने डिफरेंसेस है या फिर कितने सिमिलैरिटीज है। जैसे कि देखिए इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे हमें एक क्लैडोग्राम दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है आपको ये डायग्राम, देखिए अब यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर जो है किसका, एप्स और ह्यूमंस का, वो सेम है, बट यहाँ से आगे जाके देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। अब ब्रांचिंग कैसे होती जा रही है, सबसे पहले गिबन्स थे, ओके, उनसे क्या हुआ, अगेन ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग किस वजह से होती है पता है, इवोल्यूशन की वजह से, और इवोल्यूशन किस वजह से होगा, इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इवोल्यूशन की वजह से वेरिएशंस हो जाते हैं। तो अब अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होनी है, मतलब ये गिबन्स नाम के जो मंकीज है, मंकीज की स्पीशीज है, वो जो मंकीज सबसे पहले कॉमन एंसेस्टर से दे हैव टेकन बर्थ, बट आगे जाके क्या हो गया, यहाँ पे जो दूसरे टाइप के मंकीज आ गए, अगेन गिबन से दूसरे टाइप के मंकीज आ गए, फिर वो जो मंकीज है उनसे अगेन अलग टाइप के आ गए, जैसे कि हम बोलते हैं गोरिलाज, और गोरिलाज जो है उनसे डेवलप होके अगेन चिंपांजीज आए, चिंपांजीज से डेवलप होके अगेन आगे कौन आए, ह्यूमंस और अदर होमिनिड्स। तो अब यहाँ पे आपको ये वाला जो क्लैडोग्राम है, क्लैडोग्राम को देख के हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो
उनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो ह्यूमंस, चिंपांजीज, गोरिलाज, ऑर्गनटूज और गिबन्स, वो सबका जो कॉमन एंसेस्टर तो एक ही है, बट ब्रांचिंग के वजह से क्या हो गया कि उनके जो कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे जाके आगे जाके क्या दिखा है कि ह्यूमंस और अदर होमिनॉइड्स जो है वो अभी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। बट अगर हम देखें कि ह्यूमंस और गिबन्स के बारे में अगर बात करें तो वो कैसे है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। वो कैसे है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज है। मतलब अब अगर हम देखें कि ह्यूमंस में और गिबन्स में कितनी सिमिलैरिटीज है, अब सिमिलैरिटीज मतलब हम सबसे पहले रूट लेवल पे कहाँ पे देखेंगे कि उनके अंदर के जो जीन्स है, क्योंकि हमें पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से ये जो ह्यूमंस है और यहाँ पे जो गिबन्स मंकीज है या फिर उनकी स्पीशीज है, उन दोनों में कितने जीन्स सिमिलर है या फिर कितने जीन्स डिससिमिलर है या डिफरेंट है, तो इस हिसाब से क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं ये ब्रांचिंग पैटर्न होने के लिए, बट उस इस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। और आपको पता है कि मॉडिफिकेशंस किसी ऑर्गेनिज्म में जब होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि एक्सटर्नल जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसे फेस करते वक्त क्या हो जाता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो चेंज हो जाता है। वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ इंटरनल जो एनवायरमेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो सेट हो जाता है। ओके, बट अब ऐसा करते करते क्या हो गया है कि गिबन्स जो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो प्रेजेंट थे और ह्यूमंस जो कि अब दिखाई देते हैं, उन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हमें क्या दिखेगा। एक्सटर्नली तो हम बता ही सकते हैं कि ह्यूमंस में और इस गिबन्स नाम के मंकीज में, इस स्पीशीज में कितने डिफरेंसेस है, बट अगर इंटरनली भी हम देखें तो हमें पता चलेगा बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस में अभी प्रेजेंट नहीं है बट वो उस वक्त गिबन्स में थे, और कुछ ऐसे जीन्स हैं जो ह्यूमंस ने या फिर हम बोल सकते हैं जो गिबन्स ने पास ऑन किए हैं ह्यूमंस तक। ओके, मतलब यहाँ पे हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ जीन्स सिमिलर है, कितने डिससिमिलर है। ओके, इस तरह से क्लैडोग्राम जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके साथ ही यहाँ पे अगेन हम और एक क्लैडोग्राम एक्चुअली इतना डीप में आपको नहीं है, बट एक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्लैडोग्राम एक्चुअल कैसे पढ़ना है। तो देखिए, समझो, अब यहाँ पे हम लोग एक क्लैडोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है एक क्लैडोग्राम, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे रूट। ओके, जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। अब आगे जाके यहाँ से एक ब्रांचिंग हो जाएगा, फिर यहाँ से एक ब्रांच आएगा। ओके, ब्रांचिंग का देखिए ब्रांचिंग पैटर्न भी पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे जाके यहाँ से ब्रांच आता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ से आता हुआ दिखेगा, ये वाला एक है, ये वाला एक है, और फिर ये वाला एक है। ओके, ये सारी हमने कितनी देखी अभी, 4 ब्रांचेस है, बट उनका रूट तो एक ही है। ये वाला जो है ना पूरा, ये पूरा क्या है, रूट है, मतलब ये पूरे उनके एंसेस्टर्स है, और एक ही एंसेस्टर से ये सारे जो डिफरेंट स्पीशीज है उनका जन्म हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे अब इसे ए बी सी और डी। ओके, या फिर हम और एक ये करते हैं यहाँ पे, ओके, और एक ब्रांचिंग दिखाते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से वो पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे अगेन हम
इनका जो नेमिंग है ज्यादा अलग तरीके से करते हैं। ओके, देखिए अब वापस जाते हैं। इसे बोलेंगे हम ए, इसे बोलेंगे हम बी, इसे बोलेंगे सी, ये वाला है डी, ई और एफ। ओके, तो यहां पे अब देखिए इसे, कौन से रीजन को, ये वाली रीजन को हम क्या बोलेंगे, एक क्लैड। इसे हम क्या बोलने वाले हैं, एक क्लैड। क्लैड मतलब एक ग्रुप है वो, इसे बोलेंगे क्लैड, इसे बोलेंगे रूट। इसके बाद इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाले जो है इन्हें हम बोलेंगे नोड्स। क्या बोलेंगे इन्हें, नोड्स। ओके, और उसके ही साथ यहाँ पे हम इसे बोलेंगे इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स। ओके, हर जगह पे नोड दिखेंगे, बट यहाँ पे ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड। और उस इंटरनल नोड से एक क्लैड मिलेगा, क्या मिलेगा, एक क्लैड मिलेगा, जो एक ग्रुप के हिसाब से हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं इसके बारे में, अगर हम बात करेंगे, ये वाला था क्लैड। उसके बाद ये जो दोनों हैं, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर टेक्सा। क्या बोलेंगे इन्हें, सिस्टर टेक्सा। और अगर हम रूट के हिसाब से बात करें तो अब वो जो सिस्टर टेक्सा है और रूट्स में कितनी डिसिमिलैरिटीज हैं या फिर कितने डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे डी के पास जो है इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल नोड, टर्मिनल नोड। ओके, और यहाँ से अब हमें क्या दिखाई देगा कि रूट का जो पार्ट है वो अलग है और उस रूट से क्या क्या दिखा है, एक नोड प्रिपेयर हुआ है, नोड तैयार हुआ है। और वो नोड से क्या हुआ है, जहाँ पे नोड तैयार हो जाएगा वहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी, हर एक नोड के रीजन से ब्रांचिंग होती हुई नजर आएगी। और फिर आगे जाके हमें क्या देखना है, अगेन इंटरनल या फिर टर्मिनल नोड भी है, कौन से नोड है, इंटरनल या फिर टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो इंटरनल नोड है ये ए और बी के बीच में है, इसे हम इंटरनल नोड बोलेंगे, और ये वाला है टर्मिनल नोड। मतलब क्या, अब डिफरेंस क्या है टर्मिनल नोड और इंटरनल नोड में, टर्मिनल नोड मतलब ये वाला है टर्मिनेट हो रहा है, ब्रांचिंग यहाँ पे टर्मिनेट होगा। और यहाँ पे इसे हम इंटरनल नोड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी उसके पहले भी नोड्स दिखाएंगे, उसके बाद में भी नोड्स दिखाई देंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल नोड। दो नोड्स के बीच वाला नोड है, या फिर दो नोड्स के दो जगह पे जहाँ पे ब्रांचिंग हो चुकी है उसके बीच में क्या है, ये वाला एक नोड है जहाँ पे ब्रांचिंग अगेन हो रही है, जिसे हम सी बोलेंगे, सी ब्रांच बोलेंगे। और ये वाला जो है टर्मिनल नोड, यहाँ पे डी ब्रांच पे ब्रांचिंग हो गई है, बट उसके आगे ब्रांचिंग होती हुई हमें नजर नहीं आ रही यहाँ पे, तो इसे हम इसलिए क्या बोलेंगे, टर्मिनल नोड। इस तरह से जब साइंटिस्ट अगर इसे स्टडी करेंगे तो इस तरह से इस क्लैडोग्राम को स्टडी करेंगे। और यहाँ पे ये जो दिख रही है सिस्टर टेक्सा है, और ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ, इसे बोलेंगे आउटग्रोथ। और ये वाला जो आउटग्रोथ है ये कैसे है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। ये कैसे स्पीशीज है, डिस्टेंटली रिलेटेड। यहाँ पे देखिए अगेन एक डिफरेंस है, डिस्टेंटली, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। ओके, और यहाँ पे ये जो सिस्टर टेक्सा है वो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ओके, ये रहे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और ये रहे डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। अब अगेन
इस हिसाब से हमें, अब जैसे कि हमने ये क्लैडोग्राम देखा, इस हिसाब से हमें क्या पता चला कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कौन से होते हैं और डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज कौन से होते हैं। देखिए, रूट तो एक ही है और उससे निकलता हुआ ये आउटग्रोथ है। अब इसे आउटग्रोथ क्यों कहा गया है? अगेन देखिए, अब आउटग्रोथ और टर्मिनल नोड में क्या फर्क है? आउटग्रोथ में बस डायरेक्टली ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके? बट यहाँ पे टर्मिनल नोड में ब्रांचिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। जहाँ पे ब्रांचिंग होगा और ब्रांचिंग एंड होगा उसे टर्मिनल नोड बोलेंगे, और आउटग्रोथ मतलब डायरेक्ट वो ब्रांच एंड ही हो रहा है। ब्रांचिंग का प्रोसेस यहाँ पे होगा ही नहीं, डायरेक्ट एक ब्रांच ही एंड होगा और यहाँ पे ब्रांचिंग का प्रोसेस एंड होगा, ओके? दोनों में ये फर्क है। और आगे जाके यहाँ पे जिसे हम ए और बी है, ये दो ए और बी कैसे है? अगेन उन दोनों का एंसेस्टर, देखिए ये वाला नोड मतलब क्या होता है? एंसेस्टर। अब ए और बी का एंसेस्टर, जो पास वाला नियर बाय एंसेस्टर, वो दोनों का सेम है, ओके? अगर नियर बाय एंसेस्टर दोनों का सेम है मतलब वो कैसे है? सिस्टर टेक्सा है, ओके? और अगर वो सिस्टर टेक्सा है मतलब क्या है कि दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कुछ ऐसे भी हमें ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलेंगे जो सबसे पहले, जिनकी बॉडी या फिर दोनों वो सिस्टर थे, एक ही एंसेस्टर से आए थे, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन उनमें कुछ डिफरेंसेस हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कुछ बर्ड्स हैं, तो कुछ बर्ड्स हैं उनमें क्या होता है कि पहले उनका एंसेस्टर तो एक ही था, बट आगे जाके हम, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विन्स फिंचेस के बारे में, वो डार्विन्स फिंचेस के बारे में ऐसे होता है कि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस वो जो बर्ड्स थे वो डिफरेंट जगह पे क्या हो गए? स्प्रेड हो गए। पहले उनका एंसेस्टर तो एक ही था, बट स्प्रेड होने के कारण, हर एक डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में स्प्रेड होने के कारण क्या हो गया? उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स डेवलप हो गए अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। इसलिए आगे जाके जब वो दोनों बर्ड्स को देखा गया जो पहले कहाँ से थे? एक ही कॉमन एंसेस्टर से थे, बट आगे जाके क्या हुआ कि वो जो दो बर्ड्स थे वो दो बर्ड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आए। तो वो किस लिए नजर आए? क्योंकि इवोल्यूशन की प्रोसेस तो था, उसके साथ ही ज्योग्राफिकल एरियाज, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरियाज वेयर दे आर लिविंग, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ का एरिया कैसा था और वहाँ पे उन्हें खाना जो है किस तरह का मिलेगा, कैसे उन्हें एक्सटर्नल कंडीशंस मिलेंगी, उस वजह से उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी, डार्विन्स फिंचेस में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी देखे गए, जैसे कि जो बीक्स है वो बर्ड्स की, उसमें भी चेंजेस दिखे। आगे जाके कहीं पे बीक्स है उसका जो शेप है या फिर उसकी लेंथ है वो कम हो गई, जो कि पहले ज़्यादा थी, ओके? इस हिसाब से हमें क्या करना है? ये क्लैडोग्राम की पढ़ाई करनी है, ओके? ये है क्लैडोग्राम। अब आगे देखते हैं फाइलोजेनी। फाइलो मीन्स क्या? फाइला। अब यहाँ पे फाइलोजेनी में हमें एक्चुअल क्या देखना है? अगेन यहाँ पे देखिए, अगेन यहाँ पे क्या करना है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके साथ? समझो, एक ऑर्गेनिज्म अगेन ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है, तो ये दो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? मतलब क्या कि उनके जो एंसेस्टर्स है वो कैसे हैं? अब इसके पहले क्लैडोग्राम में हमने क्या बात की कि दो एंसेस्टर कौन से हैं वो हमने ढूंढे हैं यहाँ पे, बट अब यहाँ पे क्लैडोग्राम में हमने कॉमन एंसेस्टर के बारे में बात की, बट यहाँ पे फाइलोजेनी में हम लोग कॉमन एंसेस्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे कि कितना टाइम लगा, टाइम स्पैन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टाइम स्पैन देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे? कॉमन एंसेस्टर अगर इनका एक ही है, ये वाला है इनका एंसेस्टर, और इस एंसेस्टर से उन्हें दो ब्रांचिंग किया, वो ऑर्गेनिजम्स में ब्रांचिंग हो गई, ए और बी हुआ, बट ब्रांचिंग के बाद जब डिफरेंट स्पीशीज तैयार हुए तो वो तैयार होते वक्त
कितना टाइम स्पैन लगा। यहाँ पे हम फोकस करेंगे फाइलोजेनी में, हमेशा हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, बट वो किसके ऊपर रिलेटेड है, वो रिलेटेड है टाइम स्पैन के हिसाब से। ओके, ये वाला एक सबसे बड़ा डिफरेंस है किसमें, क्लैडोग्राम में और फाइलोजेनी में। क्योंकि फाइलोजेनी जो है वो पढ़ते वक्त भी हमें क्या करना है, एक ट्री ही तैयार करना है, फाइलोजेनेटिक ट्री। और क्लैडोग्राम में भी हम क्या तैयार कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप ट्री ही तैयार करेंगे। बट उन दोनों ट्रीज में फर्क क्या है, क्लैडोग्राम में हमने क्या देखा था, हमने क्या कोशिश की थी वहां पे कि कॉमन एंसेस्टर उनका कौन है ये जानना था हमें। हमने ये कोशिश की थी कि हम कैसे जान पाए कि उनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है। बट यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि हमें कॉमन एंसेस्टर के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि वो हम क्लैडोग्राम से भी पता कर सकते हैं। बट अभी आगे हमें क्या करना है, एक दूसरे पॉइंट पे फोकस करना है, वो है टाइम स्पैन। मतलब कितना टाइम स्पैन पहले ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ए वाला या फिर बी वाला ऑर्गेनिज्म, उनके एंसेस्टर से क्या था, क्लोजली रिलेटेड था, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके एंसेस्टर के और उनके एक जैसे थे या सिमिलर थे। या फिर दूसरे वर्ड्स में वाइस वर्सा हम ये भी बोल सकते हैं कि एंसेस्टर से जब उनका ब्रांचिंग हुआ ए और बी में, तो ब्रांचिंग होते हुए उन्हें कितना टाइम स्पैन लगा। या फिर डिसिमिलर कैरेक्टर्स है, या फिर वो जो पहले कैरेक्टर्स है उसे छोड़ के मॉडिफिकेशन करने के लिए उन्हें कितना टाइम स्पैन लगा, वो हमें यहाँ पे पता करना है, किसमें, फाइलोजेनी में। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेम जैसे हमने क्लैडोग्राम में किया था, क्लोजली रिलेटेड या फिर क्लोजली रिलेटेड या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेक्सोन, वहां पे भी हमने वही बात की थी, बट डिफरेंस पर टाइम स्पैन और एंसेस्टर का था, पता चलिए ये बात। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि फाइलोजेनी में हमने टाइम स्पैन के बारे में पढ़ा, बट उसके साथ भी हमने उनका मॉर्फोलॉजिकल डाटा जो है वो भी पता किया। मतलब क्या, अगेन मैंने जैसे आपको डार्विन्स फिंचेस का एग्जांपल बोला, उसमें अगेन क्या हुआ था, मॉर्फोलॉजी, उनके मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस हुए थे, मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको बेसिक्स जब बताए थे तब बोला था व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हमें, वी कैन सी देम बाय आवर नेकेड आइज, जो हमें आंखों से, खुली आंखों से दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यहाँ पे जिसे मॉर्फोलॉजिकल डाटा कहा गया है। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स मतलब कौन से, जैसे मैंने डार्विन फिंचेस में कहा कि उनकी जो बीक्स थी उनकी जो लेंथ थी वो कम या ज्यादा हुई है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। ओके, तो ये अगेन यहाँ पे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी कुछ डिफरेंस पाए गए हैं। तो आगे अगेन हम लोग क्या देखते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल ट्री। अगेन अगर हमें एक एंसेस्टर है उसका टाइम स्पैन अगर पता करना है कि उस एंसेस्टर से दो नए लिनिएजेस या दो नए टेक्सॉन या फिर दो नए स्पीशीज कैसे फॉर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम अगेन उसे फॉर्म करते वक्त किस हिसाब से कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, समझो ये है एक डीएनए, ओके, अब मैंने इसे क्या कर दिया है, अलग कर दिया है दोनों डीएनएस को, और यहाँ पे ये है स्पीशीज ए, ये वाला है स्पीशीज ए और उसका डीएनए है ये, और ये वाला है स्पीशीज बी का डीएनए। ओके, वेट अ मिनट, वी विल यूज डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट स्पीशीज। ओके, ये वाला है स्पीशीज बी और इनके ये वाले हैं डीएनए,
ओके, आपको पता है ना क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डीएनए होते हैं। अब यह है इनके डीएनए। तो यहाँ पे समझो कुछ क्या है, यहाँ पे कुछ जीन्स है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे जीन्स है ए, यहाँ पे अगेन ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ और एफ। ओके, और अगर हम ये ए स्पीशीज के बारे में बात करें तो इनके पास भी कुछ जीन्स है, वैसे ही ए बी, सॉरी ये वाला भी, वेट अ मिनट, ये वाला है ए, अगेन बी, सी, डी, ई, अब यहाँ पे अगेन एफ बाकी है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला है स्पीशीज ए और ये वाला है स्पीशीज बी। तो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, समझो अब यहाँ पे एक ये वाला जीन है, ये क्या डिटेक्ट करने वाला है कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, समझो हम किसी मैमल के बारे में बात करेंगे तो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग वो है कुछ हेयर स्ट्रक्चर है। ओके, और वो कैसे है, स्ट्रेट है। बट अब आगे जाके इवोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे अगेन उनका बॉडी कवरिंग तो है हेयर स्ट्रक्चर ही, बट वो हेयर स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है, कर्ली। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो डीएनए सीक्वेंसेस है उन्हें हम क्या करेंगे कि वो डीएनए सीक्वेंसेस सेम है कि नहीं वो पता करेंगे। अब हमें दिखते वक्त तो सेम दिख रहे हैं कि ए ए है और या फिर अलील्स भी उनके ए ही दिख रहे हैं हमें, बट यहाँ पे वो जो भी डीएनए है या फिर वो डीएनए सीक्वेंसेस है वो क्या कर रहे हैं, बनाते वक्त एक अलग प्रोटीन बनाएंगे। यहाँ पे स्पीशीज ए में जो ए वाला जीन है वो एक प्रोटीन बनाएगा, बट वो प्रोटीन क्या तैयार करेगा, स्ट्रेट टाइप के हेयर्स। और यहाँ पे स्पीशीज बी में ये जो ए है वो क्या करेगा, अगेन एक प्रोटीन बनाएगा, जो जीन ए है डीएनए के ऊपर जो जीन ए है वो क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, और वो जो प्रोटीन है वो कर्ली हेयर्स को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अब हमें कि स्पीशीज ए और बी में अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर ऑफ हेयर हमें यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इस तरह से हम उनके फाइलोजेनेटिक ट्री है उसे क्या कर सकते हैं, डिपिक्ट भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे अगेन ये वाला है फाइलोजेनेटिक ट्री, तो यहाँ पे इनका क्या दिखेगा हमें, यहाँ पे है उनका एंसेस्टर, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, उनका एंसेस्टर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो उनका एंसेस्टर है वहाँ से ब्रांचिंग होते हुए ये सारे ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए हैं। बट अब यहाँ पे जो ये नंबरिंग दिए हैं, ये नंबरिंग किस लिए दिए हैं, देखिए अब सबसे पहले ये वाला है फर्स्ट नंबर। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाले जो ब्रांचिंग थे ना पहले, ये वाले कुछ नहीं थे, सबसे पहले यहाँ से ब्रांचिंग हुआ, तो ये फर्स्ट वाले में ब्रांचिंग हुआ इसके, रुकिए, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ब्रांचिंग हुआ और इससे ब्रांचिंग कहाँ दिखा, इतना दिखा। ओके, क्या दिखा, यहाँ पे एक था और यहाँ पे सबसे पहले निडेरिया फाइलम दिखा। ओके, एंसेस्टर से पहले ये वाला तो आया था पोरिफेरा, बट यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ब्रांचिंग का प्रोसेस, यहाँ से अगर हम इसे रूट बोले तो क्या होगा कि यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे निडेरिया सबसे पहले मिला, फिर अगेन इसकी, ये है इसकी दूसरी ब्रांच और यह है उसकी तीसरी ब्रांच। ओके, इस फर्स्ट वाले ने अगेन दो ब्रांचेस दी, कौन सी, ये वाली दूसरी और ये वाली तीसरी।
फिर दूसरी ब्रांच से अगेन कितने मिले? एक मिला, अगेन ये ब्रांच और अगेन ये ब्रांच मिली। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था, जो तीसरी ब्रांच मिली थी वो तीसरी ब्रांच ने अगेन दो तरह के ब्रांचिंग किए थे, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर की ब्रांच मिली थी, फर्स्ट वाले ने दो ब्रांचिंग किए थे, सेकंड और थर्ड। और फिर यहाँ पे सेकंड जो है उसका अगेन ब्रांचिंग मिला फोर और फाइव, बट इस फोर्थ ने क्या किया था, अगेन ब्रांचिंग किया, अर्थ्रोपोड्स एंड नेमेटोड्स आए उससे। और यहाँ पे फिफ्थ से क्या हुआ, एक ब्रांच तैयार हुई उससे मिला प्लैटीहेलमिंथस, और दूसरी ब्रांच तैयार हुई उसका अगेन ब्रांचिंग हुआ, और ब्रांचिंग होने के बाद एनेलिड्स एंड मॉलिस्का मिले। बट अब यहाँ पे ब्रांचिंग, यहाँ पे आपको पहले वाले क्लैडोग्राम या पहले वाले फाइलोजेनेटिक ट्री के हिसाब से क्या अलग दिख रहा है अब यहाँ पे? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंसेस्टर भले ही उनका एक है, बट आगे जाके ब्रांचिंग उनका बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हुआ है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तरह से अगर ब्रांचिंग हुआ है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस दिखेंगे वो ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? आप बोलिए मुझे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इनमें कॉम्प्लेक्स तरह का ब्रांचिंग हुआ तो इनमें जो सिमिलैरिटीज़ है वो ज़्यादा होंगी या डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे? ओके, इसका आंसर मुझे आप दोगे, ये मैं नहीं बताऊँगी अभी। और जब आपका आंसर आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में वापस बोलूँगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स मिले हैं, तो यहाँ पे ये है तो सारे इनवर्टिब्रेट्स, इसमें से कोई वर्टिब्रेट दिखेगा नहीं, तो बट एक वाला है, ये है कॉर्डेट्स, ये कहाँ जा रहा है, उनके पास में जा रहा है, किसके पास में, वर्टिब्रेट्स के पास में। और ये जो सारे हैं, इतने सारे, ये सारे कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स में जाएगा और ये जो है ये इनवर्टिब्रेट्स है। ओके, और यहाँ पे अब देखिए वर्टिब्रेट्स में कितने डिफरेंसेस हैं और पोरीफेरा में कितने डिफरेंसेस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो पहला है, इसका जो फर्स्ट वाले ने जहाँ पे ब्रांचिंग किया और उसके ब्रांचिंग के हिसाब से प्लैटीहेलमिंथस और कॉर्डेटा, उन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं और कितनी सिमिलैरिटीज़ है वो हमें स्टडी करना है। ओके, या फिर हम देखेंगे कि कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म। अब देखिए कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स वैसे तो देखा जाए तो उनका एंसेस्टर एक ही है, अगर हम इसे बोले तो सिस्टर टेक्सा भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम इन्हें सिस्टर टेक्सा। बट सिस्टर टेक्सा अगर हम इन्हें बोलेंगे तो उनमें कैरेक्टर्स तो सेम आने चाहिए, बट यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा है स्टारफिश, और यहाँ पे कॉर्डेट्स का एग्जांपल दिख रहा है माउस, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी? दोनों के हैबिटेट भी तो सेम नहीं है यहाँ पे। तो आगे जाके उनका एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है। मतलब अगर ये डायग्राम बोल रहा है हमें कि ये क्लोजली रिलेटेड है या फिर क्लोजली सिस्टर टेक्सा है, फिर भी यहाँ पे क्या हमें वो दिख रहा है देखते हुए कि वो क्लोजली रिलेटेड है? नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा एक्ट किया है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम इस लेसन में सिस्टमैटिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते जा रहे हैं कि ब्रांचिंग कैसे हुआ ऑर्गेनिज़म्स का, या फिर हम कैसे करेंगे यहाँ पे उनका अकॉर्डिंग टू सिस्टम उनका अरेंजमेंट कैसे हुआ डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में। तो अगेन ये वाला जो है ये पार्ट अगेन उनके ब्रांचिंग का या फिर उनके सिस्टम तैयार करने का या फिर उनके क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, अब जब ऑर्गेनिज़म्स का क्लासिफिकेशन होता होगा उस वक्त ये अगेन उन्हें हेल्प करेगा। तो हेल्प किस तरह से करेगा ये देखेंगे अब हम लोग इसमें। अब डीएनए बारकोडिंग, डीएनए के बारे में तो आप सबको पता है, बट अब बारकोडिंग कुछ नया लग रहा है यहाँ पे। है क्या बारकोडिंग? अब बारकोडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस है और उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। ओके, डीएनए सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन इट्स
डीएनए सीक्वेंस, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशीज है, उनका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा किसके बेसिस पर, डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पर। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा कि देखा जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्लोजली रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू डीएनए सीक्वेंस। ओके, अब देखते हैं एक्चुअल इसमें, इस प्रोसेस में एक्चुअल किया क्या जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस भी हेल्प करेगा सिस्टमैटिक्स को ही, जब ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज। ये वाला जो प्रोसेस है डीएनए बारकोडिंग का, वो अगेन हेल्प करेगा। अब यहाँ पे डीएनए बारकोडिंग करना है उस वक्त एक्चुअल करते क्या है, देखिए अगर हमें कोई स्पीशीज़ है उसके बारे में, दो स्पीशीज़ है हमारे पास, ओके, ये वाला एक, ये वाला एक, अगर इन दोनों स्पीशीज़ के बारे में, इन दोनों स्पीशीज़ के बारे में हमें जानना है कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड है या हाउ दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब ये बात को हमें जानना है उस वक्त हम क्या करेंगे, ये जो स्पीशीज़ है उनका डीएनए है, उस डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या उसमें है एक्चुअल, कौन से सीक्वेंसेस है जो दो ऑर्गेनिजम्स में सेम है या दो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब डीएनए बारकोडिंग करनी है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स है यहाँ पे, तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेट किया है, डीएनए आइसोलेट किया मतलब क्या हुआ कि वो उस डीएनए को, वो जो ऑर्गेनिज्म था, जो स्पीशीज थी, वो स्पीशीज जो हमने सिलेक्ट की है, तो उसमें से हमने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया, मतलब उसमें से हमने डीएनए निकाले, जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होते हैं, तो हमने क्या किया, डीएनए को निकाला और सैंपल में से, सैंपल मीन्स क्या है, सैंपल का मीनिंग है कि हमने स्पेसिफिक एक डिज़ायर ऑर्गेनिज्म लिया था जो, जिसमें से हमने उन डीएनए को निकाला। अब निकालने के बाद देखिए सैंपल कलेक्शन हमने क्या किया, सैंपल कलेक्शन मतलब किसका, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन किया मतलब हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स थे उनके बॉडी में से डीएनए कलेक्ट करने थे, पहले हमने वो ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया, क्योंकि अब हमें क्या करना है, उनका कंपेरिजन करना है, तो हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए, फिर उनके बॉडी में से हमने डीएनए को निकाला। अब डीएनए को निकालने का अगेन एक प्रोसेस होता है, ओके, उस प्रोसेस से डीएनए को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, उसका जिस डीएनए को हमने आइसोलेट किया, अब डीएनए किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, निकाल लेने वाले हैं, अगर बॉडी में अलाइव कंडीशन में होता तो वहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता, ओके, और रेप्लिकेशन से डीएनए के ज़्यादा कॉपीज मिलते, बट अगर हम उन्हें निकाल लेंगे तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा नेचुरली, नहीं होगा, तो ये वाला जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हम कैसा करेंगे, नॉट इन नेचुरल वे बट आर्टिफिशियल वे, वो किसे यूज़ करके करेंगे, पीसीआर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, मतलब क्या, उस पीसीआर का मीनिंग क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, देखिए क्या मीनिंग है उसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे पीसीआर को यूज करके, मतलब एक डीएनए है उसका हम क्या करेंगे, पॉलीमर्स फॉर्म करेंगे। आपको पता है पॉलीमर्स मतलब क्या, पॉलीमर्स मतलब एक ही चीज के बहुत सारे क्लोन्स तैयार करना, तो हम यहाँ पे किसके पॉलीमर्स फॉर्म करेंगे, एक डीएनए के, इस डीएनए के हम बहुत सारे पॉलीमर्स या फिर बहुत सारे क्लोन्स को फॉर्म करेंगे, किससे, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने का मतलब ही होता है कि बहुत सारे क्लोन्स है उसे तैयार करना, बट वो क्लोन्स कैसे तैयार करेंगे, उसे तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर मशीन, एक पीसीआर का मशीन होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एम्पलीफिकेशन अगर करेंगे डीएनए का, तो उस वक्त वहाँ पे सैंपल डीएनए डालना पड़ता है, उसके साथ कुछ प्राइमर्स डालने पड़ते हैं, ताकि वो, जैसे हमने रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, आप 12th में पढ़ोगे या फिर पहले भी आपने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस में भी प्राइमर्स ज़रूरी होते हैं, और वो प्राइमर्स क्या करते हैं कि उस प्रोसेस को,
रेप्लिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी प्राइमर्स लगेंगे, पीसीआर में भी सैंपल डीएनए लगेगा, प्राइमर्स लगेंगे, और फिर उसमें क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा, उन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा, उनकी क्लोन्स तैयार हो जाएंगी, और बाद में फिर क्या होगा, वो जो भी डीएनएज मिले हैं, क्योंकि देखिए अब ये एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस हमने क्यों किया, क्योंकि अगर ऐसा होता कि समझो एक सेल है और एक सेल में से कुछ 1, 2, 3, 4, 5 इतने कॉपीज़ मिले हमें डीएनए के, बट क्या वो कॉपीज़ जो मिले हैं 5 कॉपीज़, क्या वो काफ़ी है हमें स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज़म्स का? नहीं, क्योंकि स्टडी करते करते ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ईरर्स आ जाए, तो इतने ही कॉपीज़ में हमें इनका जो स्टडी है ऑर्गेनिज़म्स का वो करना प्रॉपर नहीं होगा, वो ईजिली हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, एम्प्लीफिकेशन किया, बहुत सारे कॉपीज़ तैयार किए, और तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अगेन हम पीसीआर प्रोडक्ट, मतलब पीसीआर प्रोडक्ट अब कौन सा है, पीसीआर से मिला हुआ प्रोडक्ट डीएनए, ओके। पीसीआर प्रोडक्ट मतलब क्या है, जिसे पीसीआर प्रोडक्ट कहा गया है, पीसीआर से क्या मिलने वाला है हमें, डीएनए ही मिलेंगे। तो ये वाले डीएनए है, इसके बहुत सारे क्लोन्स मिलेंगे, वो जो डीएनए जो हमें पीसीआर के प्रोसेस के बाद मिले हैं, इनका हम क्या करने वाले हैं, अब सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग करना मतलब क्या है कि इनको हम प्रॉपरली सीक्वेंस करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से डीएनए सेम है इन ऑर्गेनिजम्स में और कौन से डीएनए ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। अब सीक्वेंसिंग तो हो गया, एक के बाद एक आपको सीक्वेंस पता है कैसे, एक के बाद एक कौन से डीएनए आएंगे, कौन से जीन्स आएंगे, वो हमने वहाँ पे रखा है, उन्हें सीक्वेंसिंग किया डीएनए का। अब आगे लास्ट प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, और आगे यहाँ पे देखिए, पीसीआर का प्रोडक्ट तो मिला और यहाँ पे आगे जाके एम्प्लीफिकेशन हुआ, एम्प्लीफिकेशन के बाद कौन सा प्रोसेस हुआ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस हुआ, ओके। और बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में क्या हुआ कि डीएनए जो है वो कौन से कहाँ पे है वो पता चला इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के वजह से। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये सीक्वेंसिंग के लिए हेल्प करेगा, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस बीच वाला जो है प्रोसेस उसे स्किप किया जाए तो डायरेक्टली सीक्वेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है, यूज मेथड है, वो आप कहीं पे जाके पढ़िएगा आपको पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला मेथड भी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के वजह से जो सीक्वेंसिंग होगा डीएनए का वो बहुत इजी हो जाएगा, ओके। और बाद में ये सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस हुआ है, अब लास्ट में फोर्थ वाला स्टेप है वो बहुत इजी है बट वो इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या होगा, जो सीक्वेंसिंग किया गया है, यहाँ पे जो सीक्वेंसेस हमें मिले हैं डीएनए के, वो हमें कैसे मिलेंगे, समझो एक अलग ऑर्गेनिज्म से, ए ऑर्गेनिज्म से आए हैं सीक्वेंस, ओके। अब देखिए, अगर ए ऑर्गेनिज्म से ये वाला सीक्वेंस आया है, बी वाले से ये वाला सीक्वेंस आया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उन दोनों के सीक्वेंसेस को क्या करना है, कंपेयर करना है, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस क्या यहाँ पे ए बी सी डी ऐसी ही जीन्स है, या फिर यहाँ पे पी क्यू आर ऐसी जीन्स है ए बी सी। तो हमें यहाँ पे ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसे चेक करना है कि दोनों में जो डीएनए का सीक्वेंस है क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है, ये हमें यहाँ पे सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में पता चलेगा। अब यहाँ पे लास्ट के प्रोसेस में हमें क्या करना है, वो जो सीक्वेंसेस है उनको हमें क्या करना है, मैच करना है, या फिर जैसे ही हम सीक्वेंसेस को मैच करेंगे उसी हिसाब से हम क्या पता करेंगे कि वो जो दो स्पीशीज है आर दे मैचिंग टू ईच अदर और नॉट, मतलब वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब क्या कि उनके जो डीएनएज है या फिर उनके डीएनएज के जो सीक्वेंसेस है, मतलब जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस है, क्या वो एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं या फिर क्या वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमें पता करना है, या फिर नॉट पता करना है, हमें पता चल ही जाएगा लास्ट के प्रोसेस में।
अब देखिए वही प्रोसेस आगे जाके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। देखिए अभी सबसे पहले हमने सैंपल लिया, अब यहाँ पे हमारा सैंपल किस फॉर्म में है, एक लीफ है, और वो लीफ से अब देखिए हम ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं या फिर डीएनए बारकोडिंग करते हैं वो हम प्लांट मटेरियल का भी कर सकते हैं, एनिमल मटेरियल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया अब ये प्लांट मटेरियल का है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, वो सैंपल क्या था, एक प्लांट मटेरियल था। अब वो प्लांट मटेरियल मतलब क्या है, एक लीफ है, वो लीफ के अंदर भी तो सेल्स होते हैं, लीफ भी सेल्स से बनते हैं, तो वो लीफ का जो सेल था उस सेल के अंदर से हमने डीएनए निकाले। बट कैसे निकाले, सबसे पहले हमने वो सैंपल को ग्राइंड किया। सैंपल को ग्राइंड किया मतलब हमने क्या किया कि यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये प्लांट्स के अंदर सेल्स होंगे, ओके, और वो जो सेल्स है उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होंगे। तो जब हम ग्राइंड करेंगे ये सारे प्लांट मटेरियल को, ये जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, और यहाँ से न्यूक्लियस भी ब्लास्ट हो जाएगा, और उसमें से निकल के क्या आएंगे, डीएनए जो है वो बाहर आएंगे। अब आगे जो डीएनए बाहर आ गए तो आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से डीएनए आने के बाद एक्सट्रैक्शन तो हो गया डीएनए का, एक्सट्रैक्शन के बाद हम वो डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब के जैसे जो दिख रहा है उसके अंदर डालेंगे, ओके, और यहाँ पे डालने के बाद क्या करना है, उसे इस पीसीआर मशीन में डालेंगे, और पीसीआर मशीन में, बट यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कुछ डीएनए दिखाए गए हैं और वो डीएनए उस सैंपल में प्रेजेंट है। बट अब हमें क्या करना है, इस डीएनए जो हमने प्लांट मटेरियल से निकाले हैं वो डीएनए का हमें क्या करना है, अब एम्प्लीफिकेशन करना है। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या करना है, हमें ये वाले जो डीएनए हैं उनके बहुत सारी कॉपीज चाहिए, तो वो कॉपीज़ हमें कैसे मिलेंगी, व्हेन वी आर पुटिंग दैट सैंपल इनसाइड दिस पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मशीन में, पीसीआर के मशीन में हम उस सैंपल को डालेंगे, और फिर उस सैंपल को डालने के बाद हम उसे अगेन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के प्रोसेस से वो जाएगा, और अब यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के प्रोसेस से क्या मिलेगा कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो आगे जाएंगे, सॉरी, और जिनका कम है वो आगे जाएंगे, और जिनका ज़्यादा है वो पीछे रुक जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस हेल्प करेगा वो जो डीएनए है उनके सीक्वेंसिंग के लिए। और आगे जाके फिर वो जो सीक्वेंस हमें दिखे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरोसिस में, उनका आगे जाके जेल डॉक के मशीन में क्या होगा, सीक्वेंस का एनालिसिस होगा। अब यहाँ जाके पता चलेगा कि क्या ये वैरायटी जो है वो प्रॉपर है, गुड है या बैड है, या फिर उसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं, और आगे जाके फिर इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से जीन्स है कौन से नहीं है, ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, डीएनए बारकोडिंग। ये सारे प्रोसेसेस किससे रिगार्डिंग है, ये सारे प्रोसेसेस रिगार्डिंग है सिस्टमैटिक से, ये सारे हेल्प करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए, ओके, तो हम आज यहाँ पे रुकते हैं, आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट सब टॉपिक को देखेंगे इसी लेसन के, कौन सा लेसन है, सिस्टमैटिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से हम नेक्स्ट वाला सब टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय।